1399 चेला कैद हो जाते हैं और इधर केवल औगड़िया रह जाता है, औगड़िया भी आज्ञा लेकर के जाता है और एक तेलनी के द्वार पर कोई साधु नहीं पहुंचता है तो वो तेलनी औगड़नाथ को बैल बना लेती है। जब बैल बना लेती है तो औगड़िया कोलू में चलते चलते बड़ा परेशान हो जाता है। आज इधर बाबा गोरखनाथ अकेले के अकेले ही रह गए। आज बाबा बड़ा विचार करते क्या करूं, समझ में नहीं आता है। इस बंगाल देश में हमारे 1400 चेला कैद हो गए। बाबा ने अब ध्यान लगायो और अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ को लो मनाई, अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ को मनाया। माथे पे बाबा हाथ फिरायो और माथे से गोरख ने थोड़ो महल छुटायो। जब महल को छुटाया तो एक सूखा चेला बना के तैयार कर लिया और उस सूखा चेला से कह दिया इस नगर में चले जाओ और बेटा किसी के द्वार पर डोरू नहीं बजाना है, केवल इस नगर के चक्कर काट के आना है और इस नगर का पूरा पानी सुखा के आना है। तो सूखा चेला जाता है और बाबा गोरखनाथ के आदेश से पूरे नगर में पानी सुखा देता है। आज उस नगर में त्राई त्राई मचने लगी। जब त्राई त्राई मचने लगी तो बाबा गोरखनाथ जहां पर अपना धूना रवा रहे थे वहां एक कुआं था। उस कुआं में बाबा गोरखनाथ की योग शक्ति से इतना पानी था कि वो फाने ले रहा था और उस नगर की नारियां आई, जब पानी से परेशान हो गई तो उसी कुआं पर पानी भरने के लिए आ गई। तो बाबा गोरखनाथ ने सोचा कि जब जेत चूकी ना हमारे चेलाओं को कैद कर लिया तो आज मैं भी नहीं मानूंगा। तुमी बहते पानी लो गोरखने और सबरी औरत पे पड़ के मारो, सारे नगर की औरत गुरु गोरखने गधैया दही बनाई, सारे नगर की औरतों को गधैया बना दिया। आज सबके पति काम धंधे करवे गए, संजा को लौट के आए, अपने अपने ढूंढत फिरे भाई सिंटू को मम्मी को पता ना, लेकिन उन्हें क्या पता कि बाबा गोरखनाथ ने गधैया बनाए के चरवे को ढूंढ लिया। आज सभी नगर के लोग इकट्ठे होकर के और अपनी अपनी औरतों को ढूंढने के लिए चले, ढूंढन जाए रहे कि बीच में गुरु गोरख धूना पे बैठे। आज नगर के लोग सभी हाथ जोड़ के कहने लगे महाराज अगर हमारी औरतें तर गई हो तो बता दो। बाबा गोरखनाथ कहने लगे हम तुम्हारी औरतों को रखाने के लिए आए, ये बताओ मेरे 1400 चेला गायब है। आज नगर के लोग चक्कर में पड़ गए कि मेरे घर मैं तोता लेके नहीं आया तो कहां से आया है, अरे और औरतों ने हरकत की है बाबा के साथ। आज सारे नगर के लोग बाबा के चरणों से पड़ जाते हैं। हे बाबा करियो भूले माफ़ी, अरे का बाबा करियो भूले माफ़ी, हे बाबा चरण रखी सुना पाए री
गोरवर सुनियो ध्यान लगा गोरवर सुनियो ध्यान लगाए गोरवर सुनियो ध्यान लगाए मेरी करियो भूले सुनो काहे पैरन में शीश झुकावो और काहे नै चेला मेरे बाप सोच लो समझ लो तुम्हारी औरतें तो नहीं देती मैंने लेकिन ये रात में गधैया जन कहां पे आई गई सूखा चेला सके इनको घेर के ले आओ अरे पड़े पड़े पानी बाबा को रखा सवारी औरतें गधैया बनी है अरे एक रूप में तेतरे बनाई जो औरतें गधैया थी वो एक ही रूप में बना के खड़ी कर दी अब जाकी बूढ़ी अति बाहु नहीं करते और नहीं अति बतो नहीं अति अब जैसे जे भगत जी बैठे न कैसे डोकर कोई हिलो ही न लगन दे एक एक नौ लड़का चच्चर घेरे फिरे और एक पास में छोटा सा गांव था जिसका नाम था रणपुरा जितने रड़ुआ आते सबने एक गांव को नाव धल लो तो रणपुरा भी भाई मेरा लग आज रड़ुआ ने सुनी के बाबा औरतें बांट रहे अरे तुरत ही रड़ुआ बाबा गोरख के ढंग जाए कर देव कृपा गुरु गोरख जी कोरे बाबा बोले मुख से बानी बाबा गोरखनाथ कहने लगे तुम्हारी औरतें तो वापिस हो जाएंगी लेकिन ध्यान रखना एक घंटे के अंदर में मेरे 14 चेला वापिस नहीं आए तो इस बंगाल देश को खेड़ा बना के चले जाए और आज से मेरा ये वरदान है कि अगर कोई पीरे कपड़ा पहन करके इस बंगाल देश में आया तो आप लोगों का जादू नहीं चलेगा और कपड़ा की तो चली का अगर उसके हाथ में पीला धागा भी है तो आप बंगाल देश का जादू नहीं काम करेगा बोलो गोरख बाबा जय बोलो बोलो गोरख बाबा की जय बोलो अरे जय बोलो भोले बाबा अरे जय बोलो भोले बाबा की
अरे जय बोलो गोरा मैया की, अरे जय बोलो गोरा मैया की, जय बोलो जा हर बाबा, जय बोलो, जय बोलो जा हर बाबा की, जय बोलो, जय बोलो बांगर बाबा गुरु गोरखनाथ की जय।